चैत्र नवरात्रि पर रामनवमी, हनुमान जयंती का चल जुलूस का पथ मार्ग, महावीर जयंती एवं ईद पर्व को लेकर थाना परिसर पबई में मंगलवार शाम SDM श्रुति अग्रवाल एवं SDOP सौरभ रत्नाकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से आचार संहिता का पालन करते हुए मनाने, साथ ही त्योहारों को कैसे बेहतर ढंग से मनाए, क्या कैसी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से की जाए, इसके लिए भी सुझाव लिए गए। साथ ही त्योहार के समय सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा आदि को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर तहसीलदार प्रीति पंथी, नायब तहसीलदार राजेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम हरि शर्मा, CMO तबस्सुम खान, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी सहित नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। में चल रही नवरात्रि एवं रमजान के देखते हुए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी तीज त्यौहार जयंतियाँ जो समय पड़ने वाली हैं, इसको लेकर लोगों के क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव है, किस तरह की पुलिस व्यवस्था वो चाहते हैं, इस संबंध में चर्चा की गई। सभी विभाग के अधिकारी इसमें उपस्थित रहे और आपसी समन्वय से व्यवस्थाएँ करने की गई। थाना परिसर पवई में सभी उपस्थित रहे, SDP साहब, PI साहब, तहसीलदार की उपस्थिति में हमने शांति समिति की बैठक करी, जिसमें आगे आगामी जो त्यौहार है ईद और हनुमान जयंती, रामनवमी, इन सबके बारे में व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा करी। शासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ऐसे सबको निर्देश दिए। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।